नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल पिछले कई दिन से लगातार चल रहा है राजस्थान में। पहले लग रहा था कि दंगल चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के गुटों के बीच में, लेकिन अब यह दंगल हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। क्योंकि कल जब कांग्रेस पार्टी ने ऑडियो टेप जारी करके केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए, तो उसके जवाब में आज बीजेपी सीधे सीधे मैदान में उतर आई। टेप में बातें क्या हुई ये पीछे रह गया, लेकिन टेप कैसे हुआ फोन ये सवाल आगे आ गया। क्योंकि बीजेपी ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ये फोन टैपिंग किसकी अनुमति से हुई। क्या राज्य की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में उसका दुरुपयोग करते हुए लोगों के फोन टैप करा रही थी? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी मांग बीजेपी ने कर दी। पिछले कई दिन से यह ड्रामा चल रहा था, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुप क्यों हैं? तो आखिरकार वसुंधरा राजे ने भी आज चुप्पी तोड़ी, लेकिन वसुंधरा खेमे के ही एक विधायक ने यह भी कह डाला कि सरकार गिराने की साजिश करना ठीक नहीं लगता। आखिर राजस्थान का यह ड्रामा है क्या? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान, संबित पात्रा और पवन खेड़ा, जिन्होंने आज अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से मोर्चा संभाला था। उनसे विस्तार से बहस होगी, लेकिन दोनों से बात करें उसके पहले पूरे दिन का घटनाक्रम एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। राजस्थान की सियासी खींचतान में टेप कांड ने आग में घी का काम किया। जिस टेप को लेकर कांग्रेस बीजेपी का भांडा फोड़ने का दावा कर रही, बीजेपी ने उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? संबित पात्रा की तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उन्होंने कहा कि टेप बिल्कुल सही है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो? एक इतने बड़े सीनियर लीडर ने जब इतनी बड़ी बात कह दी, तो अब ये मानकर चलिए अमित शाह जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, बताए कि बीजेपी की भूमिका क्या है। विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप कांड का मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी का बयान दर्ज कराया गया। वहीं विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। महेश जोशी का दावा है कि वो भंवरलाल शर्मा की आवाज को पहचानते हैं। पूरा मामला पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के वॉइस टेस्टिंग के सैंपलिंग के लिए कोर्ट पहुंची। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि मामले की जांच एटीएस करेगी। जहां भी लोक सेवक को कोई प्रलोभन दिया जाता है या कोई लेन देन लोक सेवक का किसी कार्य के या किसी आशय से दिया जाता है, वहां पर हम पीसी एक्ट करने के लिए अधिकृत हैं। और एसीबी जो है पूरे प्रदेश में जो एकमात्र थाना है वो एसीबी में है, और इस तरह की शिकायत आने पर एसीबी पीसी एक्ट में कार्रवाई करती है। इस बीच पूरे सियासी घमासान को लेकर वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस पर हमला किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, कभी जनता के बारे में सोचिए। उधर वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेघवाल ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो आज राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना गिरा हुआ मैंने नहीं देखा। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की काम कर रही है, अब जैसे आप देखिए एक बाड़ाबंदी का मतलब आप समझते हैं? प्रत्येक विधायक की समझ और उसकी निष्ठा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये दोनों पार्टियों में हो। उधर इनकम टैक्स की टीम ने अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि गहलोत के करीबियों के घर से भारी मात्रा में अघोषित रकम बरामद की गई है। वहीं आयकर विभाग ने रतनलाल शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जाता है कि
कि ये सभी कथित रूप से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं। गहलोत सरकार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जयपुर के होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायक मुगले आजम का मजा ले रहे हैं। दिल्ली से पौलवी शाह, जयपुर से देव अंकुर बधावन के साथ शरद कुमार, आज तक। तो आपको जैसा हमने बताया, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, संबित पात्रा बीजेपी से, पवन खेड़ा कांग्रेस से। दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, और क्योंकि दो ही मेहमान हैं तो हमने तय किया कि डेढ़ डेढ़ मिनट का समय दोनों को दिया जाए अपनी अपनी बात रखने का। जब एक वक्ता बोलेगा स्क्रीन पर घड़ी चलती रहेगी, डेढ़ मिनट पूरा होते ही बजर बजेगा और समय खत्म होने के बाद आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी और दूसरे वक्ता का समय उसके बाद शुरू होगा। आप दोनों का स्वागत है दंगल में, संबित पात्रा, पवन खेड़ा। सबसे पहले संबित पात्रा जी, नींद नहीं आई लगता कल रात, उठते ही सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज? सही कह रहे हैं, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट टू डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर फिर भी नींद आई थी क्योंकि हमारा कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर है। देखिए रोहित जी, यहाँ कल जिस प्रकार से एक ऑडियो टेप जारी किया गया था और जिस तरह से बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे कुछ लोग जो हैं इनको फोन कर रहे हैं, उसका आज भांडाफोड़ हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ये जो टेप है किस सोर्स से आ सकता है? या तो आपने टेप किया हुआ है, टेपिंग किया हुआ है, या तो किसी और सोर्स से आ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि अगर आपने फोन टेप किया है तो फोन टेप करने के जो एसओपी हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी अन्य चैनल में होम सेक्रेटरी ने कहा मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो फोन टेपिंग नहीं है। एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया से ये ऑडियो क्लिप हमने उठाया है। कमाल की बात है, अब सोशल मीडिया से कोई फर्जी टेप उठा करके आप उस पर एफआईआर दर्ज करते हो और नामजद एफआईआर भी दर्ज नहीं करते हो, और एफआईआर में कहते हो कि यह तथाकथित टेप है जो सोशल मीडिया में पाया जाता है, और उसी के बिना पे ये पूरी की पूरी कहानी बताते हो। और सबसे लज्जाजनक बात है, होटल में बैठ के, फेयर माउंट रिसोर्ट में बैठ के इनके जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं कोरोना काल में? पास्ता, हमने पास्ता बनाना सीख लिया है, हमने पिज्जा बनाना सीख लिया है, हम मुगले आजम देख रहे हैं। अरे वाह, पूरे देश में आपकी पार्टी की चाउमीन बनी हुई है, आप यहाँ पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। कल आपके मुगले आजम वीडियो बना रहे थे, आप यहाँ पास्ता पिज्जा बना रहे हैं, लोग वहां कोरोना से मर रहे हैं, ये सच्चाई है जी। ठीक सर, डेढ़ मिनट हो गया, ओके। पवन खेड़ा, आपका समय शुरू होता है अब। कितने लोगों के फोन टैप किया आपने? सामने तो दो ही रखे अभी। रोहित सरदाना जी, फोन टैपिंग के इस देश में बादशाह अगर कोई हैं तो आजकल वह गृह मंत्री हैं। स्नूप गेट के नाम से बड़े प्रचलित चर्चित व्यक्ति हमें पूछ रहे हैं फोन टैप कैसे होता है। अरे भाई, आप तो एक्सपर्ट हैं, हम थोड़े कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नीतीश बाबू खुद कहते हैं कि भाई मोदी जी तो फोन टैपिंग के एक्सपर्ट हैं। तो फोन टैपिंग पे तो ज्ञान मुझसे ज्यादा संबित पात्रा जी दे पाएंगे, अगर उनसे बांटा होगा अमित शाह जी ने कुछ ज्ञान। तो रही बात आज की इनकी प्रेस वार्ता की, मुझे भी आज जल्दी उठना पड़ा इनकी प्रेस वार्ता की वजह से, क्योंकि मैं अचंभित रह गया कि चोर ये नहीं बोल रहा मैंने चोरी नहीं की। चोर कह रहा है आपने जो कैमरा लगाया था क्या वो कानूनी रूप से लगा हुआ था? और कांग्रेस का कोई विधायक नहीं कह रहा कि हमारा फोन टैप हुआ है, बीजेपी आकर कह रही है हमारा फोन टैप हुआ है। चोरी पकड़ी गई इसकी, इन्हें कोई समस्या इनको है ही नहीं। आप मुझे बताइए रोहित सरदाना जी, कल को कोई हत्यारा कहे कि मेरे कमरे में झांक रहा था गवाह, मेरी निजता का उल्लंघन हुआ है, तो वो गवाह गलत है लेकिन मैंने जो मर्डर किया वो सही है, ये तो वैसी वाली बात कोई संबित पात्रा जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। बड़े समझदार व्यक्ति हैं ये, हो सकता है कोई दबाव रहा होगा इतनी बड़ी गलती करने का कि आज स्वीकारोक्ति हो गई पूरे देश के सामने आकर कि हाँ चोरी भले हुई हो, चोर के आप ऊपर आपने कैमरा कैसे लगा दिया, कौन से कानून के तहत लगा दिया, कैमरा कहाँ है, किसने की रिकॉर्डिंग। अरे साहब ठीक, रंगे हाथों पकड़े गए ये तो बता दो, ये तो आपने आज मान ही लिया कि रंगे हाथों पकड़े गए। समय समाप्त हो गया खेड़ा जी, ठीक है सर, समय खत्म हो गया खेड़ा जी। संबित पात्रा, फोन पर जो बातें हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन किसको खरीदने की पेशकश कर रहा है, कौन किससे पैसे लेने की बात कर रहा है, या यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फोन रिकॉर्ड किसने किया? दोनों चीजें महत्वपूर्ण। पहली बात है, आज पहली बार आपके चैनल पे एक डिबेट पे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने फोन टेप किया है, आप हत्यारे थे, हम किस खिड़की से झांक रहे थे इससे मतलब नहीं है, तो फोन टेप किया ये एक्सेप्ट कर लिया गया है।
फोन टेप करने के लिए एक प्रावधान होता है, कानूनी प्रावधान। उस कानूनी प्रावधान का फॉलो न करने के लिए, उसका उल्लंघन करने के लिए अशोक गहलोत को जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने फोन टेप किया, अभी इन्होंने माना कि हमने फोन टेप किया। उसके लिए होम सेक्रेटरी कह रहे हैं मुझसे परमिशन नहीं लिया गया है। परमिशन किससे लिया गया बिना पूछे? आपने तमाम विधायकों का, बीजेपी भाजपा सबके फोनों को टेप में डाला। दूसरी बात, जब खुद आपका एफआईआर, आपकी सरकार की एफआईआर कह रही है हम नहीं जानते हैं ये कौन सा गजेंद्र है, ये गजेंद्र सिंह है भी कि नहीं हम नहीं जानते हैं, और हम सोशल मीडिया की बातों पर से ये एफआईआर कर रहे हैं, तो ये मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है कि वो गजेंद्र सिंह है या नहीं है? गजेंद्र जी ने तो मना कर दिया, डायलेक्ट के हिसाब से भी मना कर दिया, और उनके ऊपर जो भी अभी आप लोग एसओजी इत्यादि भेजेंगे वो उसमें कोऑपरेट करेंगे। हमने आज सीबीआई की मांग की है और इसकी तुष्टिकरण अभी अभी जो तुष्टि की है अभी पवन खेड़ा जी ने कि हमने तो फोन टेप किया, और सीना चौड़ा करके कह रहे कि हम फोन टेपिंग करते हैं। और जहां तक पार्टी के इतिहास का सवाल है, छोड़ दीजिए साहब, यहां तो सासू मां बहू तक का फोन टेप कर लेती थी, सासू मां बहू तक के रूम पे बगिंग कर देती थी। चिदंबरम साहब ने क्या किया था प्रणब दा का यह भी हमें पता है, और राष्ट्रपति का क्या किया था राजीव जी ने यह भी हमें पता है। ओके, पवन खेड़ा, बताया नहीं आपने, मैंने पहले भी पूछा, और कितने लोगों के फोन टैप किए रोहित जी, कितनी सीडीज या टेप्स आनी बाकी हैं अभी? एक बार भी आपके इस कार्यक्रम में अब तक पिछले 7 मिनट में अगर किसी ने कहा हो कि हमने टैप किया है तो मैं संबित जी की बात मानूं। ये सरेआम आपके सामने आकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने स्वीकारोक्ति की। स्वीकारोक्ति तो आज एक व्यक्ति ने की सुबह सुबह, वो है संबित पात्रा। स्वीकारोक्ति कर दी कि हाँ हमने खरीद फरोख्त की, हाँ हमने लोकतंत्र की हत्या की, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी चोरी पकड़ी कैसे गई? जिसने पकड़ा क्या वो कानूनी तौर पर हमें पकड़ रहा था? स्वीकारोक्ति तो सिर्फ आज एक ही व्यक्ति ने की, मुझे लगता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई आज। खैर कोई बात नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त बता देगा। मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर ये टेप नकली है या आवाज नकली है, तो वो भी एक जिम्मेदार आदमी है अगर वो कह रहा है तो। आपके यहाँ तीन तीन खेमों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बटी हुई है, उसका जरा हिसाब किताब दे दीजिए। 45 विधायक वसुंधरा जी के साथ हैं, उनमें से कैलाश मेघवाल जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं राजस्थान में, उन्होंने आज आपकी निंदा की है आपकी पार्टी की, खरीद फरोख बंद करिए। दूसरा गुट गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, ज्यादा लोग नहीं है उसमें। तीसरा गुट राजवर्धन सिंह राठौर और ओम बिड़ला का, जो दिल्ली में अपने नेताओं को इन्फ्लुएंस कर करके वहां तंग कर रहे हैं सबको। आप अपने घर को थोड़ा संभाल लीजिए, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ जो खलबली मचने वाली है जरा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, आप लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं वहां, सब कुछ निकल रहा है। तो आपकी पोल हम तो क्या खोलेंगे, आज आप ही ने खोल दी संबित पात्रा जी की। हाँ, रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं हुई है, हमारा एमएलए तो कोई नहीं कह रहा टैप हुआ है। बीजेपी के लोग क्यों कह रहे हैं उनकी आवाज टैप हुई है? ठीक है सर, चोर की दाढ़ी में, दाढ़ी का मतलब गलत मत ले लेना। ओके सर, डेढ़ मिनट हो गया, दिख रहा है एक बड़ी खबर आ रही है पवन खेड़ा जी। ठीक खेड़ा जी, समय हो गया, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को इस वक्त बता देते हैं। राजस्थान फोन टैपिंग कांड में एक और मोड़ आ गया है। इस मामले में जो आरोपी हैं, उन लोगों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। अदालत के कहने के बावजूद इस मामले में आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। अभी तो इस बात को लेकर भी बात चल रहा है कि फोन टैपिंग हुई कैसे, क्या वो सरकार ने कराई, या फिर जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हमें तो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई मिल गई, लोग शेयर कर रहे थे, हमने वहां से उठा के सार्वजनिक तौर पर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर रख दिया। इस दरमियान बड़ी बात यह है कि अशोक सिंह और भरत मलानी दो लोग हैं, दोनों ने अदालत के आदेश के बावजूद सैंपल देने से मना कर दिया है। अब कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी। अब मेरा सवाल, हालांकि पवन खेड़ा से मैं पूछना चाहता हूं, उसके पहले शरद कुमार हमारे साथ आ गए, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इसी मामले में और जानकारी लेकर। शरद जरा बताइए क्यों भाग रहे हैं ये वॉइस सैंपल देने से? अगर कोई लेनदेन नहीं हो रहा था, अगर कोई खरीदारी कोई बेचने की कोशिश नहीं हो रही थी विधायकों को, तो फिर ये फिर डॉक्टर टेप के लिए वॉइस सैंपल देने से मना क्यों कर रहे हैं लोग, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कल से? बिल्कुल रोहित, ये जो दोनों लोग हैं भरत मलानी और अशोक सिंह, इनका तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यह कहकर टेप किया है कि हम टेप कर रहे थे किसी गैंगस्टर का, उसमें तस्कर का, उसमें हमने इनका टेप किया है, और उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट पेश की कोर्ट में आज, और कोर्ट ने कहा कि आप लोग वॉइस सैंपल देना चाहते हैं आप लोग, तो इन्होंने कहा कि हम वॉइस सैंपल देना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा संजय जैन जो नया टेप कांड उजागर हुआ है उसको अभी कोर्ट में पेश किया है और 4 दिन के रिमांड पर लिया है। तो
तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने चारों तरफ से घेरा बीजेपी के खिलाफ कस दिया है। अब नई खबर यह है कि एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस भी इस मामले की जांच करेगा। जितनी जांच एजेंसियां थी सब गहलोत सरकार ने बीजेपी के खिलाफ उतार दिया है और जिस तरह से ये वॉइस सैंपल देने के मना किए हैं, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पास पुख्ता सबूत है, तभी यह कह रहे हैं कि टेप कांड झूठा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कुल मिला के अब यह मामला कोर्ट में है और अशोक गहलोत जांच एजेंसियों के जरिए चाहते हैं कि बीजेपी का जो कथित रूप से षड्यंत्र है उसका खुलासा करें। जी रोहित, लेकिन इससे एक बात और भी तो पुष्ट हो जाएगी कि सरकार फोन टैप कर रही थी और हो सकता है अपने उप मुख्यमंत्री का फोन भी टैप करवा रहे हो मुख्यमंत्री। देखिए रोहित, ये नया नहीं है। आप राजस्थान में, अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में हालत ये है कि मेरे पास अगर दिन भर में 50 फोन आते थे तो अभी 40 फोन व्हाट्सएप कॉल से आते हैं, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, इतना डर का माहौल है इस राज्य में। तो सरकार टेप कर रही है ना कर रही है पता नहीं, लेकिन आम जनता की बात करता हूं मैं, जितने फोन कॉल आ रहे हैं सब व्हाट्सएप कॉल ही आ रहे हैं कि भाई साहब फोन टेप हो रहा होगा। तो एक डर का माहौल तो है, लेकिन जो टेप इन्होंने पेश किए हैं, ये संजय जैन वाला, उसमें कहा है कि हमें सोशल मीडिया से मिला है, कहाँ से मिला ये नहीं बताया है। जो दो व्यक्तियों के आज वायरस सैंपल देने से मना किया है, उस टेप के बारे में जरूर उन्होंने कहा है कि एक तस्करी का मामले का हम खुलासा कर रहे थे, इसलिए टेप कर रहे थे, उस दौरान हमको ये आवाजें पता चली, तब हमने इनका टेप किया कि सरकार गिराने की बात हो रही थी। तो उसमें तो माना है कि हमने टेप किया है, ये नया टेप पेश किया है कांग्रेस ने, उसमें माना है कि हमने ये टेप नहीं किया, सोशल मीडिया से मिला है। अब तो जांच भी पता चल पाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ओके, ठीक सर, वापस आते हैं आपके पास। शरद कुमार वहां से जानकारी दे रहे हैं कि दोनों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। अब बताइए संबित पात्रा जी, अगर टेप डॉक्टर है तो आपसे जुड़े लोग वॉइस सैंपल देने से मना क्यों कर रहे हैं? ये हमारे से जुड़े हुए लोग क्यों हैं? ये तो हमारे जुड़े हुए लोग नहीं है। केंद्रीय मंत्री से जब पूछा जाएगा तो केंद्रीय मंत्री इसका जवाब देंगे। ये दोनों हमारे से जुड़े हुए लोग नहीं है। कांग्रेस वाले जवाब दे कि उनके लोग क्यों नहीं वॉइस सैंपल दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अभी आपके जो पत्रकार, जो आपके रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने स्पष्टतः कहा एक डर का माहौल है। वो डर का माहौल कहते ही मुझे एक और पत्रकार याद आ गए थोड़ी देर के लिए, तो मैं सुन भी नहीं पाया आपके रिपोर्टर क्या कह रहे थे, मगर जहां तक मुझे याद आ रहा है आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि साधारण आदमी भी वहां उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि डर का माहौल है और सरकार सबकी प्राइवेसी का हनन कर रही है। तीसरी बड़ी बात है, यहां कहा गया लोकतंत्र की हत्या हमने कर दी। हमने लोकतंत्र की हत्या की है? मैं राजस्थान की जनता से पूछता हूं, ये जो बाड़ाबंदी किया गया है विधायकों का, ये आपके विधायक आपको कोरोना से बचाने के लिए थे या पिज्जा पास्ता बनाने के लिए हैं? जब आप लोग वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं अपने राज्य में, जब आप लोग आज टेस्टिंग आपकी सबसे कम हो रही है और सर्वाधिक केसेस हुए हैं, उस समय आपके विधायकों की तस्वीर देखिए, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, उस समय खुद अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा कर रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल। थोड़े दिन पहले पीएम तारीफ कर रहे थे राजस्थान मॉडल की, देख रहे हैं मुगले अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे थे कि कोरोना में तो कमाल कर दिया अशोक गहलोत ने। नहीं नहीं, वो आज आप कह रहे हैं कि देखो ये कोरोना को छोड़ के पिक्चर देख रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं नहीं, आप वो वीडियो देखिए और मैं कहता हूं आज तक उसे दिखाए भी। पिज्जा पास्ता अगर सारे मैं तो देख चुका हूं बैठ के पिज्जा पास्ता बनाएंगे तो क्या होगा हमारे राजस्थान का, बिल्कुल क्या होगा हमारे राजस्थान का। और चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं अगले हिस्से में बताऊंगा कि लोकतंत्र की हत्या वास्तविक रूप में किसने की। ये सड़क से लेके हाईकोर्ट तक जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई हमारी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, घर की लड़ाई है। ठीक, पवन खेड़ा इस बात से इनकार करेंगे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है? पहली बात तो ये कि जो मलानी साहब हैं, जिन पर तस्करी की वजह से उनका फोन टैप हो रहा था और सरकारी ढंग से हो रहा था, प्रक्रिया से हो रहा था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की इंडस्ट्री सेल में थे या नहीं थे, उपाध्यक्ष थे या नहीं थे? अगर आपको नहीं जानकारी संबित पात्रा जी मेरे राज्य के बारे में, मैं मेरे राज्य में भी आपकी पार्टी की भी जानकारी रखता हूं। दूसरी बात, अशोक सिंह मेरे ही इलाके के हैं, क्या आप वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, संबंधित नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपका ज्ञान कितना है भारतीय जनता पार्टी के विषय में। छोड़िए आप हमारी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, अपनी पार्टी का ज्ञान नहीं है राजस्थान में। नंबर दो, फरवरी 2, 3 और 4, 2019 के लाखों लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मोदी सरकार ने मांगे थे, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ये निजता में का उल्लंघन मोदी साहब वो भी इलीगली कर रहे थे, तो छप गया अखबार में, ये क्यों हुआ था? आप कम से कम
इस मुद्दे पर हमें भाषण मत दीजिए संबित पात्रा जी, क्योंकि आप लोग स्नूप गेट के नाम से जाने जाते हैं पूरे गुजरात। खेड़ा जी आप ये मान रहे हैं कि क्योंकि ये करते हैं इसलिए आप भी कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं हमें ये भाषण चाहे अपने डिप्टी सीएम का भी कर रहे थे। रोहित सरदाना जी पूछेंगे हम जवाब देंगे, संबित पात्रा जी भाषण न दें इस बारे में क्योंकि तो स्नूप गेट की पार्टी है साहब, ये कैसे हमें भाषण देंगे? आप पूछ रहे हैं बिल्कुल आपको जवाब देंगे, जो तस्करों पर हो रहा था वो हो रहा था, बाकी सोशल मीडिया पे मिला, मीडिया एक हफ्ते से बोल रहा था भाई कुछ टेप्स हैं, कुछ टेप्स हैं, आपको आपने भी सुना हमने भी सुना और आ गए वो सोशल मीडिया पे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो बोले ना कि इनकी आवाज नहीं है। केड़ा जी, आवाज को ये मामला बड़ा संगीन है लेकिन इस बात से मुझे हंसी आ जाती है। ये लोग कर रहे हैं सर, 1.5 मिनट हो गया इसलिए अब मैं बोल लेता हूँ थोड़ा सा। इस बात से सर हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि लोग तो अभी टेप है के बाद अब सीडी है, सीडी अभी कहने लगे हैं राजस्थान के। अब वो किसकी सीडी है, किसने बनवाई है, कहां से बनाई है, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि राजस्थान का तो काफी हिसाब किताब आप ही संभालते रहे पार्टी में, तो आज बताई दीजिए ना सर हमारे पूछने पे। नहीं तो हम तो आपकी जो ब्रदरहुड है, आपकी जो फ्रेटर्निटी है पत्रकार जगत जो है राजस्थान, हमें तो वहां से ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई सीडी है, हमने भी सुना है, कोई वीडियो भी है, कोई ऑडियो भी है, कुछ टेप्स भी है, हमने तो ये भी सुना है कि गजेंद्र सिंह जी तो बेचारे छोटी बात है, उनसे भी बड़े बड़े लोग है, सुना है हो सकता है देख भी ले, हमें क्या मालूम, हम तो आप ही की तरह आपसे कम ज्ञान रखते हैं। रोहित सरदाना जी आपके पास ज्यादा ज्ञान होगा, डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री से बड़ा माना जाता है ना सर, ज्ञान तो है, खबरें तो सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि कुछ ऑडियो वीडियो कुछ आ रहा है, हमें नहीं मालूम क्या आ रहा है कौन कौन है उसमें, लेकिन जिनकी दाढ़ी है और जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो घबरा के सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अब हम क्या करें इसमें, और उसमें भी गलती कर जाते हैं कि अरे साहब ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, गलत रिकॉर्डिंग हो गई, अरे गलत हुई सही हुई किसने की किसने नहीं की वो बात की बात है देख लेंगे। जो बात निकल कर आई है वो तो ये है ना कि आप खरीद फरोख्त कर रहे थे कि चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए और आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि आपने मुझे किस कानून के तहत पकड़ा, गैर कानूनी रूप से तो नहीं पकड़ लिया, बात तो सिर्फ ये हो रही है, कैमरा लगा था आप पकड़े गए, कैमरा कौन सी कंपनी का था, कानूनी रूप से लगा था या नहीं लगा था, ये तो बाद के प्रश्न है ना संबित पात्रा साहब, डॉक्टर संबित पात्रा जी ठीक है। वैसे तो मेरा समय तो समाप्त हुआ नहीं, अभी 25 सेकंड तो दिख रहे हैं, बोलो जी, दे दीजिएगा बस। हाँ सर, सर सर क्या है ना, एक आखिरी कमेंट संबित से ले रहा हूँ घड़ी के साथ, उसके बाद आप दोनों को थोड़ा फ्री राउंड भी देंगे क्योंकि आप भी बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे आज दोनों। नहीं 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 आप ठीक, संबित पात्रा बोलिए, 1 मिनट पूरा बोल सकते हैं ठीक है। हाँ मैं ठीक, संबित पात्रा बोलिए, मैं 2.5 मिनट बोलता हूँ। देखिए पहली बात तो है, इन्होंने कहा सीडी भी होगी, वहाँ हो सकती है सीडी भी होगी इनके पास, हमने देखा था भवरी देवी वाला कांड पूरा इनका देखा हुआ था, देखते हैं क्या सीडी आती है, किसकी सीडी निकालते हैं अपने डिप्यूटी सीएम और सीएम आपस में, इन्होंने एक दूसरे की कितनी सीडी बना रखी है यह भी भविष्य में देखते हैं। इन्होंने रिपोर्टर की बात भी कही, बिल्कुल सही है, मैं तो कल भी टीवी में कह रहा था कि एक रिपोर्टर तो था जो 2008 में किस प्रकार से सोफे के पीछे बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा था पैसे लेने का, और उसको दिखाने वाला था टीवी पे भी, मगर उस समय वो चूक गया, उसने वो वीडियो सबमिट नहीं किया, कम से कम अब तो उस रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया होता, अरे बिसात बिछा देते, उसी रिपोर्टर को बुला लेते, सोफे के पीछे वो रिपोर्टर बैठ जाता, सारी रिकॉर्डिंग कर लेता, पैसे लेते हुए रंगे हाथ दिखा भी देते आप अपने चैनल में, इसमें क्या बुराई हो जाती, और इस बार तो वो एडिट भी नहीं करते, अपने ही पक्ष का विषय था तो दिखा भी देते, अब लोकतंत्र की हत्या का विषय है। आप बताइए मुझे रोहित जी, ये लड़ाई शुरू कब होती है? रोहित जी दिसंबर 2018 में जब सरकार बनी थी तब ये दोनों लोग अशोक गहलोत और सचिन पायलट सड़क पे लड़ रहे थे, दोनों के गुट एक दूसरे के पत्थरबाजी कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हमने फोन किया था इनको, हमने इनको ऑडियो क्लिप भेजा था कि आपस में लड़ो, उसके बाद सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री ने कल एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है 18 महीने तक हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, हमने फोन करके कहा था कि 18 महीने बातचीत मत करो। आपके इंडिया टुडे को इंटरव्यू में क्या कहा है गहलोत जी ने कहा है कि ये आदमी जो हैंडसम है, इंग्लिश बोलता है, फलाना ढिकड़ा, ये तो पता नहीं कौन कौन से विदेशी देश में चला जाता था, वहां जाके क्या गुलछर्रे उड़ाता था, लंदन चला जाता था, आप बताइए इनके पार्टी में अकेला ऐसा आदमी है जो लंदन चला जाता था, चुपके चुपके विदेश चला जाता था, इनके यहां तो एक ऐसा भी आदमी है जो बैंकॉक चला जाता है, 50-50 दिन तक नदारत रहता है, पता नहीं चलता है, तो उस पर अटैक किया है ना, ये अटैक हमने कहा था अशोक गहलोत को कि तुम फोन करके करो या इंटरव्यू देके करो, हमने कहा था ये सब करने के लिए, लंदन बैंकॉक नहीं, तो आप हरियाणा में अपनी सरकार की छत्र छाया में जैसा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे उसके सुरक्षा घेरे में बिठा के उनको वो लंदन और बैंकॉक वाली सुविधा दिला रहे हैं क्या? क्यों आपने दे रखी है अपनी मेहमान नवाजी उनको? फिर कल पुलिस पहुंची राजस्थान की
तो पौन घंटा वो दरवाजे पे लड़ते रहे कि हमको अंदर जाने दो, एक बार बात करने दो कम से कम उनसे। ठीक है, ठीक है, मैं इसका उत्तर 10 सेकंड में देता हूं। देखिए रोहित जी, मैंने आज भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुना है। कल चिदंबरम जी कह रहे थे कि 75 बार हमारी उन लोगों से बात हुई, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं वो सारे लोग हमारे पास आना चाहते हैं। मतलब ऐसा कैसा बंधक होता है जी, जिस जो फोन लेके सारी बातें चिदंबरम साहब के साथ, सोनिया जी के साथ, प्रियंका जी के साथ साथ दिन भर 75 बार बातें करे और फिर वो बंधक कहलाए। ऐसा कोई बंधक सुना है? अगर बंधक बनाना होता तो फोन ले लिया जाता उनको, उनको अलाउ नहीं होता किसी से बात करने के लिए। कोई बंधक नहीं बनाया है, ये लोकतांत्रिक देश है, जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। जहां तक संन्यास लेने की बात है राजनीति में, एक बात सुन लीजिए, ठीक है, ये ऑटो संन्यास मोड में है, कोई सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई गति ही नहीं है, थोड़े दिन बाद अपने आप ही सन्यासी बनना पड़ेगा सबको, ठीक है, कुछ रहेगा ही नहीं, ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सत्ता तो बनना सन्यासी सब लोग। ओके ओके, पवन खेड़ा जी, क्या इस बात को ऐसे कहूं कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का शिकार किया लेकिन कंधा बीजेपी का इस्तेमाल किया? लोकतंत्र का शिकार करने भारतीय जनता पार्टी आई, हमारे कुछ एमएलए का कंधा इस्तेमाल किया और एक्सपोज हो गई। ये पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो नहीं रही। दिलीप सिंह जुदेव तो याद ही होगा आपको, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। बंगारू लक्ष्मण भी याद होगा, कुलहस्ते भी याद होगा, सचिन पायलट करते रहते हैं। जरा अपनी पार्टी का देख तो लीजिए इतिहास। सरेआम रंगे हाथों पकड़ा गया बंगारू लक्ष्मण, सरेआम दिलीप सिंह जुदेव बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है और आप हमें याद दिलाते हैं हमारा इतिहास की। अरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का तो आप टेप करते ही थे। विश्वेंद्र सिंह जो अभी आपके खेमे में चले गए हैं, जब हमारे साथ थे पिछले साल, उन्होंने क्या 2 साल पहले क्या कहा असेंबली में? बीजेपी गवर्नमेंट टैपिंग फोन्स ऑफ अस। विश्वेंद्र सिंह एमएलए फ्रॉम डी कुंबेर, विश्वेंद्र सिंह ने कहा है, हम तो बाद में कहते हैं। दूसरा और सुन लीजिए, जो आम नागरिक है गुजरात उसका फोन आप टैप कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह टैप कर रहे थे क्योंकि साहेब चाहते थे, क्या माजरा था? और सुबह से शाम सचिन आप जो हैं संबित पात्रा जी बैंकॉक बैंकॉक करते रहते हो, आखिर क्या माजरा है? चले जाओ ना एक दिन बैंकॉक, बड़े परेशान रहते हो, ये क्या ये बैंकॉक बैंकॉक से आपकी ऑब्सेशन है भाई, चले जाओ, कौन रोक रहा है? 2 दिन छुट्टी दे देंगे अमित शाह, चले जाओ बैंकॉक, गोवा भाई, क्या समस्या है आपको ये बार बार बैंकॉक बैंकॉक लगा रखा है? कि पूरे विश्व में आपको बैंकॉक ही दिखता है, तो चले जाओ ना एक दिन, हम आपकी अनुशंसा कर देते हैं अमित शाह साहब से। अभी परसों आया हूं बैंकॉक से, हमारे संबित पात्रा जी को 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, चले जाएंगे जरा बैंकॉक, बड़ा याद आता है इनको सुबह से शाम तक बैंकॉक। ठीक ठीक ठीक, नहीं अगर समस्या हो तो हम चिट्ठी भी लिख देंगे अमित शाह जी को, आपको जाने देंगे, छुट्टी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं आप लोगों का तो वहां पर मैं, मुझे पता है, आप मुझे पता है राहुल जी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है बैंकॉक में, मुझे वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठीक है मुझे पता है राहुल जी का फार्म हाउस है वहां पे, मैं राहुल जी से बात करके उनके फार्म हाउस में चला जाऊंगा, आप चिंता ना करिए, मैं चला जाऊंगा राहुल जी के फार्म हाउस में ही जाकर रहूंगा बैंकॉक में, चिंता मत करिए। अब मैं जरा विषय पे बात कर लूं रोहित जी, आप अनुमति दे तो शोभा नहीं देता आपको क्योंकि लोग अच्छा, देखते हैं एक बार, एक बार ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है सर, ठीक है, हो गया हो तो आप आ जाओ जरा, नहीं अब तो उन्होंने आजाद स्वतंत्र, ऑन अ सीरियस नोट, अब जरा विषय पे वापस आते हैं, हो गया, आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे के नेताओं को और बैंकॉक घूमने का इंतजाम कर दिया हो तो वापस जरा जयपुर, राजस्थान, मानेसर, यहाँ की हकीकत को देख ले, टटोल ले। इस समय की स्थिति में संबित पात्रा जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इतने दिन तक चुप थी, आज कहा जा रहा है कि पार्टी का दबाव पड़ा तो उनको बोलना पड़ा, लेकिन उनके गुट के एक समर्थक विधायक भी बोल पड़े कि भाई ये सरकार गिराने का कार्यक्रम तो ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपके अपने लोग बोल रहे हैं संबित पात्रा, ये तो देता हूं मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ सवाल यहां उठाए गए बीजेपी के ऊपर, उसका जवाब देते हुए आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए इन्होंने हमारी पार्टी का इतिहास गिनाया, ये स्नूप गेट के बारे में बात कर रहे थे, याद करिए स्नूप गेट में इन्हीं की सरकार थी, कपिल सिब्बल ने कहा हम कमीशन भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक स्नूपिंग और रिकॉर्डिंग और बगिंग होता है, मैं सबसे बड़ा इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति का देता हूं और आपको जान के आंसू भी निकल सकते हैं आंख से। आप एक वीडियो देखे रिसेंटली सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं लोगों से कहूंगा कि उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक सासू माँ जो प्रधानमंत्री है देश की, वो अपनी विधवा बहू को अपने डाइनिंग टेबल में बैठने नहीं देती है, बोलती है कि इस टेबल में बैठ के खाने की तेरी औकात नहीं है, तू इस घर से निकल,
विधवा बनने के कुछ दिनों के बाद धक्के देकर अपने बहू को एक सासू माँ जो प्रधानमंत्री है घर से बाहर निकलवाती है, उसके हर फोन को उसके हर चाल पर नजर रखती है। ऐसा माँ, ऐसी माँ आपने कभी देखा है? ऐसी माँ मतलब ये जो पवार थी, कौन सी पवार थी, वो हिंदी पिक्चर में हीरोइन आती थी पहले, दिवंगत हो गई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ठीक उसी प्रकार की सासू माँ निकली वो। अपनी बहू के साथ ललिता पवार वाला व्यवहार, ये वीडियो सब लोग देख लेना, सोशल मीडिया से ही है, सोशल मीडिया में वीडियो मिला था, ये भी वीडियो सोशल मीडिया में है। दूसरी बात, आपने कहा आज वसुंधरा जी ने कहा है, देखिए जहां तक वसुंधरा जी ने कब कहा कैसे कहा, अभी आप जो डिबेट कर रहे हैं इसमें आपने डेढ़ डेढ़ मिनट का समय दिया हुआ है, पहले डेढ़ मिनट पवन खेड़ा बोलेंगे, फिर डेढ़ मिनट संबित पात्रा बोलेंगे, फिर डेढ़ मिनट रोहित जी बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, ऐसे ही है, दिस इज डिसिप्लिन। पहले कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा, एक पार्टी है, हमारी पार्टी सड़क पे नहीं लड़ती है, हम डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। और ये कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो सड़क पे लड़ेंगे, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का मजाक बनाएंगे। मैं तो बार बार इनको कह रहा हूं, बनाइए आप हर राज्य में महत्वाकांक्षाओं के कारण सड़क पे आकर लड़िए, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ताली बजाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, okay. हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हंसेंगे और ताली बजाएंगे, हम यहां राजनीति में हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं। ठीक, पवन खेड़ा जी, आज की स्थिति में अगर सरकार है भी और अशोक गहलोत ये कह भी रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, कोई समस्या नहीं, तो पूरा जोर इस पर क्यों है कि भाई ये सचिन पायलट और इनके समर्थकों का गुट जो है वो निलंबित हो जाए, पहली चीज। और दूसरा, क्या ये माना जाए कि अगर स्थिति ऐसी रहती है तो अगले चार साल साढ़े तीन साल जो सरकार चलनी है वो फेयरमैन होटल से ही चलेगी फिर राजस्थान की, क्योंकि बाहर निकले तो कोई खरीद लेगा फिर तो? रोहित जी, बात किसी को निलंबित कराने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि एक अनुशासन होता है, एक सिस्टम होता है, सीएलपी की बैठक बुलाई जाए, उसमें अगर वो ना आए तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस गया, स्पीकर का भी नोटिस जाएगा, सिर्फ प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये बात जहां सिर्फ शाह शहंशाह की चलती उन्हें नहीं समझ में आएगा। ये बार बार मेनका गांधी जी की बात करते हैं, मेनका गांधी और वरुण गांधी का जितना अपमान ये लोग कर रहे हैं, कभी किसी को दादा पर टिप्पणी, कभी किसी के नाना पर टिप्पणी, नेहरू जी पर जितनी आप टिप्पणी करते हो उतना अपमान आप वरुण गांधी और मेनका गांधी का भी करते हो, जितना आप गांधी परिवार को कोसते हो, गांधी परिवार के दो सदस्य तो आपके यहाँ भी हैं, उनको भी कोसते हो, इसलिए मंत्री मंडल से भी बाहर रख कर रखा है, और वरुण गांधी को तो जो अपमानित आप लोगों ने किया हमें भी मालूम है, इसलिए आप सिलेक्टिवली मत इस्तेमाल करिए उदाहरण, क्योंकि फिर हमारा जब मुंह खुलेगा तो आपका फिर मुंह कभी खुल ही नहीं पाएगा, इसलिए मत बोला करिए, कई चीजें और हैं आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं और समझा दिया जाएगा। रही बात फेयरमाउंट होटल की, तो रोहित जी आपका प्रश्न ये है कब तक, बात ये है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वॉइस सैंपल लेने जरूरी है, ये लोग बचा कर भगा लिए कल अपने होटल से, मानेसर होटल से, पिछले दरवाजे से, अगर इनके मन में चोर नहीं था तो क्यों एमएलए इसको बचा बचा के ले जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के संरक्षण में, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ जो इन्होंने कल किया है, कि कल को दिल्ली में कोई हत्या करके यूपी चला जाए और यूपी पुलिस उसको वहां घुसने न दे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? खैर, इनका वो प्रायोरिटी है ही नहीं, प्राथमिकता नहीं है कि कानून व्यवस्था चले, इनकी प्राथमिकता है सरकार बने, हार जाए चुनाव तो भी बने, सरकार नहीं चलाना आता मोदी जी को लेकिन फिर भी सरकार में रहे, ये इनकी बीमारी हो गई है, ये देश की एक बहुत बड़ी बीमार जनता पार्टी है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका नाम है बीमार जनता पार्टी, देश को भी बीमार कर रहे हैं, खुद तो बीमार है ही, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को फैलाना कैसे है, सरकार चलाना इनके बस का नहीं है, कोरोना देख लीजिए, देश की सीमाएं देख लीजिए, कहीं अगर ये सफल होते हुए दिखते हो तो बता दीजिए, विदेश नीति खत्म, आर्थिक नीति खत्म, आंतरिक सामंजस्य खत्म, कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ ये कि कहां सरकार गिरानी है और अपने आप को चाणक्य आर मानने लग गए। हम लोगों की भी गलती है, हमारे मीडिया के भी कुछ साथी, अरे चाणक्य आ गया, कौन भाई चाणक्य का अपमान तो मत करिए देश में, चाणक्य इस देश की धरोहर है, अमित शाह चाणक्य, अगर अमित शाह चाणक्य है तो फिर तो मोदी जी पता नहीं क्या हो गए, हम तो बोलना भी नहीं चाहते, तो कम से कम चाणक्य का मत अपमान करिए, ये सिर्फ खरीद फरोख्त करने वाले लुटेरे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। अब लुटेरों को राजस्थान में अशोक गहलोत रोकेगा, दमखम से रोकेगा, पवन, उसके लिए जो पवन खेड़ा जी मीडिया तो क्या है ना, हर रोज एक हीरो बनाता है, हर रोज एक को गिराता है, एक को चाणक्य बताता तो दूसरे को क्राउन प्रिंस भी बताता। नहीं नहीं, मैं अपने पे ले भी निराश, मैं अपने पे ले भी निराश, मीडिया हर दिन एक को हीरो बनाता है, अगले दिन एक को गिराता भी है, लेकिन मसला यह है सर, अब मीडिया क्योंकि कह रहा है या सोशल मीडिया जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है सर,
मैं तो ये मानता हूं पवन खेड़ा जी, सोशल मीडिया को मैं अमूमन कहता हूं नाई की दुकान है, यहां आपको जानकारियां बहुत सारी हर तरह की मिल जाएंगी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करके उसको टीवी पे रखना या किसी बड़े मंच पे रखना, उसमें आपको सोच संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल तो क्या सही आपने वेरिफिकेशन किया तो अब, जो फोन कॉल्स आप लेके आए, या आप ये मानते हैं कि आप लोगों ने खुद कराए थे, फिर आप ही ने पहले सोशल मीडिया पे डाले, फिर आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ गए उसको? रोहित, रोहित भाई, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? वॉइस सैंपल। तो बीजेपी के जो दो नेता हैं अशोक सिंह और मलानी, वो सरेआम मान ही नहीं रहे कि हम वॉइस सैंपल, क्योंकि वॉइस सैंपल देते ही तो फंस जाएंगे ना। पहले तो उस स्टेप पर आइए जो कि अधिकृत रूप से हुआ, जो तस्करों पर हो रहा था। अब हमें क्या मालूम था कि बीजेपी के लोग तस्करी के साथ साथ एमएलएस की भी खरीद फरोख्त करने आ जाएंगे, तो बाद में मालूम पड़ता है। हमें क्या मालूम, ये तो आईएसआई से देखो तो इनके संबंध, तस्करों से देखो तो इनके संबंध, एमएलएस खरीद फरोख्त देखो तो ये, तभी तो कह रहे हैं राजस्थान में लुटेरों का आतंक हम नहीं होने देंगे, इन लुटेरों को अशोक गहलोत रोकेगा, दमखम से रोकेगा। और जो बन पड़े करके देख लीजिएगा शाह और शहनशाह, वहां अशोक गहलोत बैठा है। पर सचिन पायलट तो पीड़ित था सर, आपने उसे भी लुटेरा बना दिया। बहरहाल जरा संबित पात्रा बोलने के बहुत देर से उम्मीद है, उसके बाद आपके पास आता हूं। संबित बोलिए। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं रोहित भाई। रोहित भाई, रामचंद्र जी कह गए थे सिया से घोर कलयुग आएगा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ रामचंद्र जी कह गए थे सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, और हंस और कौवे के बारे में क्या कहा था आप जानते ही हैं। हाँ देखिए जरा, लुटेरे और तस्कर चिल्ला चिल्ला कर, लुटेरे और तस्कर 10 बार बता रहे हैं। मतलब हवा नहीं छोड़ा, समुंदर नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, नभ नहीं छोड़ा, गगन नहीं छोड़ा, धरती नहीं छोड़ी, जहां जहां लूट मचाई आप जानते हैं। बेल पे सारे बाहर हैं, बेल गाड़ी पे पूरी पार्टी चल रही है, और ये लुटेरे और तस्कर 10 बार आपके डिबेट में कह रहे हैं। दूसरी बात है, मैंने तो मेनका गांधी जी का नाम भी नहीं लिया था, फट से समझ गए कि मैं मेनका गांधी जी के लिए बोल रहा था। चीन के बॉर्डर पे जाके प्रधानमंत्री भाषण करते तो समझ नहीं पाते हैं कि चीन के लिए बोल रहे हैं। मैंने अभी ललिता पवार और बहू के बारे में बात की तो फटाफट इन्होंने इंदिरा गांधी और मेनका गांधी सोच लिया। मतलब इतनी शर्म की बात है, इंदिरा गांधी को ललिता पवार मान लिया इन लोगों ने। अब खुद देखिए, मैंने नाम नहीं लिया था। अब शाह और शहनशाह और चाणक्य, हाँ शाह और शहनशाह जो आप कहते हैं, शहनशाह आपके यहां है और शाह हमारे यहां है, याद रखिए। शहजादा और शहनशाहों की, मुगले आजम की पार्टी आप है, और हाँ हमारे पास अमित शाह और मोदी है, और वो चाणक्य ने आपके छाती पे बैठ के जो मूंग दला है ना, उससे कभी बाहर नहीं आ सकते, और तैयार भी रहिए। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के छाती पर वो मूंग दलेगा कि कांग्रेस पार्टी के आने वाले पीढ़ियों तक ये बात याद रखेगी। आप मजाक बनाते रहिए, अमित शाह का कितना भी मजाक बनाना है उतना मजाक बनाइए, वो आपका क्या हश्र करने वाला है आप देखना। जी देखिए साहब, डॉक्टर पात्रा, लेकिन अभी तो अशोक गहलोत मूंग दल रहे हैं ना, तभी तो आप बार बार सुबह उठते कह रहे हैं कि सीबीआई को लाओ। अभी तो लगता है अशोक गहलोत मूंग दल रहे हैं छाती पर। मैं कंप्लीट कर लूं, आपने कुछ पूछा अभी एक सेकंड खेड़ा साहब, अभी तो लग रहा है अशोक गहलोत मूंग दल रहे हैं, तभी आप बार बार कह रहे हैं सीबीआई के हवाले कर दो। बिल्कुल मूंग दल रहे, नहीं बिल्कुल अशोक गहलोत मूंग दल रहे, खाली मूंग ही नहीं दल रहे हैं, वीडियो ऑडियो सब दल रहे होंगे सचिन पायलट के छाती के ऊपर और अपने ही विधायकों के छाती के ऊपर। दले जितना दलना है, और सचिन पायलट जी उनके छाती के ऊपर मूंग दल रहे हैं, सब एक दूसरे के छाती के ऊपर मूंग दल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कह रहे हैं ये मूंग तो बीजेपी वाले भेजे थे, ये दलने का काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे भैया, ये मूंग हमारी नहीं है, ये मूंग भी आपकी है, वो छाती भी आपका है, और छाती पे बैठ के दलने वाले भी आप ही के दल के लोग हैं, और आप हमें रोहित भाई हमारी पार्टी हैं, हम बीमार हैं। अरे वो फोटो दिखाइए तो, आप वो फोटो दिखाइए, कल वीडियो रिलीज हुआ था मुगले आजम का, वो फोटो में कौन बीमार है दिखाइए जरा। मतलब दो दिन बैंकॉक क्या नहीं गए, पूरा बाल बाल बढ़ा, सोशल मीडिया में तो ये बात भी चल रही कि 5 दिन में बाल ऐसे कैसे बढ़ गए, अब इसकी भी सीबीआई में जांच होगी क्या? नहीं, आप बताइए रोहित जी, सोशल मीडिया में ये बात कैसे चल रही है कि 5 दिन में बाल इतने कैसे बढ़े? अब ये सब बातें डिबेट का विषय है क्या? सोशल मीडिया के विषय डिबेट के विषय होते हैं क्या? कुछ विषय सोशल मीडिया के होते ना, उनको सोशल मीडिया पे ही कर लीजिए जितना करना है, वो टीवी मीडिया के विषय नहीं है कि किसी के बाल कितने बढ़ गए या किसी ने कटवाए या नहीं कटवाए, ये राष्ट्रीय बहस का विषय तो नहीं हो सकता ना। ये सोशल मीडिया के विषय है, पवन खेड़ा जी आप बोलिए। सोशल मीडिया का रोहित जी, ठीक सर, ओके, छाती हमारी मूंग हमारा, ओके पवन जी, छाती हमारी मूंग हमारा, उछल ये रहे हैं, सुबह से बोल रहे टैप हो गया टैप हो गया। अरे भाई, जिसका हुआ वो तो नहीं बोल रहा,
आप क्यों उछल रहे हैं? किसकी दाढ़ी में तिनका है? आपके यहां तो दो दो दाढ़ी है, किसकी दाढ़ी में तिनका है? जवाब दीजिए। और असली मूंग तो दला था कपिल मिश्रा, आप ही के नेता ने अमित शाह जी की दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर जो आरोप लगाए थे उसको तो आपने झट से अपनी पार्टी में ले लिया डर के मारे। तो आप तो कपिल मिश्रा से भी डर गए। आप हमारे को मत भाषण दीजिए। और बैंकॉक बैंकॉक मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं रोहित भाई, अगर आपकी भी बीजेपी में कहीं बातचीत होती हो, हमारी तो होती है दो तीन जगह जहां हमारी चल सकती है, हम जरूर बोलेंगे। इनको भेज दीजिए ना बैंकॉक। आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, संबित पात्रा जी को पूरा देश भेजना चाहता है बैंकॉक, क्योंकि सुबह से रात तक इन्हें बैंकॉक के सपने आते हैं। बैंकॉक ये दो बार जा चुके हैं, मुझे मालूम है दो बार ये बैंकॉक जा चुके हैं, लेकिन आपके आदेश को मानूंगा। मैं कल संडे बैंकॉक जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। आप नहीं, मालूम है आप कितनी बार गए हैं। आपके आदेश का पालन करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं आप, कल संडे है, मैं बैंकॉक जाऊंगा, मैं जाऊंगा, राहुल गांधी के फार्म हाउस में रुकूंगा। आप जाइए बैंकॉक, वहीं रहिए, वहां से लाइव करिएगा। आपने मुझे कहा चला जाऊंगा, वहीं से लाइव कर लीजिएगा। आपको बैंकॉक से ही अपनी सरकार चलाएंगे जिस तरह से आपकी बातें हैं। ये बैंकॉक में क्या धरा है जो इतना आपको रुचि है? बैंकॉक से किसने अपनी पार्टी? आप दो बार हो आए हो, मालूम है। अच्छा, आप बैंकॉक से लौटिए ना सर, दोनों क्या करना चाहते हैं? कितनी बार आप लोगों को खींच खींच के बैंकॉक से लाऊं? ये बैंकॉक से नहीं लौटेंगे। कितनी बार बोलूं आपको कि बैंकॉक छोड़िए, जयपुर में ध्यान लगाइए थोड़ा। बैंकॉक 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 जयपुर पुष्कर ब्रह्मा जी के तीर्थ चलिए सर, ब्रह्मा जी के तीर्थ चलिए, बैंकॉक छोड़िए थोड़ी देर। ब्रह्मा जी के तीर्थ ले जाइएगा, उससे पहले मत ले जाइएगा, इनका मन नहीं लगेगा वहां पर। नहीं नहीं अरे सर सुनिए ना, मेरा सवाल इस समय ये है सर, सरकार चला लेंगे 5 साल, इस पूरी परिस्थिति में जब आप बार बार कह रहे हैं कि लुटेरे बाहर घूम रहे हैं, जब बार बार आप कह रहे हैं कि आपका कीमती सामान जो है वो किसी भी समय लुट सकता है, ऐसी हालत हो गई है रोहित जी? लुटेरों को तो ठिकाने लगाना हमें आता है और लगा भी देंगे, अभी आधे लगे हैं, 2-3 दिन में पूरे लग जाएंगे। वो छोड़िए, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ठिकाने तो वही लगे अभी तक केवल। इसके बाद भी 5 साल जो है ना वो भी कांग्रेस के ही हैं, इनके जो वहां लक्षण है वहां सबको दिख रहे हैं। आज थू-थू हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पूरे राजस्थान में, इनके अपने समर्थक मैसेज भेजते हैं कि हमारे लोगों को हो क्या गया है। कैलाश मेघवाल जी ने तो खुलकर बोला है, और कई लोग हैं जो दबी जुबान से बोल रहे हैं, सब में कैलाश मेघवाल जी जैसी हिम्मत नहीं आ पाई, लेकिन सब लोग इनके नाम पर थू थू कर रहे हैं। राजस्थान में इनका सुपड़ा अगले चुनाव में भी साफ है, ये आप आज मैं आपको कह रहा हूं। आप मुझे फिर बुलाइएगा अपने कार्यक्रम में अगले चुनाव के आसपास, मैं आपको तब मिठाई आपसे खाऊंगा। नहीं नहीं खेड़ा जी, मैं तो उसके दरमियान भी बुलाता रहूंगा, लगातार बुलाता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बता दीजिए सर, लेन देन ये कर रहे थे लेकिन पैसा आपके लोगों के यहां से मिल रहा है। अशोक गहलोत के दोस्तों पर जो छापेमारी हुई उसमें पता लगा किसी के यहां इतनी नकदी, किसी के यहां इतने जेवर, इतना पैसा बरामद हो रहा है इनकम टैक्स के। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? सारी एजेंसीज इनकी, जिस तरह से उन एजेंसीज का ये दुरुपयोग करते हैं, करने दीजिए, सच कभी छिपेगा नहीं, सामने आएगा। पैसा तो इनका नहीं होगा, पैसा तो उन्हीं का होगा जिनके घर से मिल रहा है सर। सैंपल जो देने को तैयार नहीं, तस्कर लोग इनकी पार्टी में पकड़े जाते हैं तो वॉइस सैंपल नहीं देते। चलो तस्करी करो, आपका पेशा होगा, मेन काम आपका बीजेपी है, थोड़ा काम जब सरकार में नहीं है तो तस्करी कर रहोगे, मान लेते हैं आप एमएलए की खरीद फरोख्त भी करोगे और फंसोगे तो फिर कहोगे अरे अरे टेपिंग कैसे हो गई? अरे लो कमाल है, फंस गए हो, रंगे हाथों पकड़े गए हो, चुप हो जाओ थोड़ी देर। बेशर्मी से कहना कि हाँ हम चोरी कर रहे थे, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, टेपिंग कैसे की, ये इनका प्रश्न था। एक एक लाइन में संबित पात्रा जी की आज सुबह की प्रेस वार्ता सिर्फ ये थी कि हाँ हमने चोरी की है, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लेना, लेकिन टेपिंग गैर कानूनी थी। ये क्या मतलब है साहब? रोहित जी ठीक है, ओके, लास्ट कमेंट संबित जी, समय खत्म, आखिरी कमेंट बस, छोटा सा डिबेट जो है आज सर, यस ऐसे आप छोटा सा ही कमेंट बोल रहा हूँ रोहित भाई, इस डिबेट का सारांश निकला है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने माना है कि फोन टेपिंग की गई है, फोन टेपिंग की गई है और इसमें कोई ये गलत बात है। रोहित भाई मैंने इनके बीच में नहीं बोला, लास्ट कमेंट में कहना आप ये रोहित भाई ये बहुत गलत बात है रोहित भाई, खेड़ा जी मैंने ये नहीं कहा शो का लास्ट कमेंट, खेड़ा जी इसमें तो फिर किसी का लास्ट कमेंट नहीं हो पाएगा।
मैंने ये नहीं कहा कि आज के शो का लास्ट कमेंट है, संबित पात्रा का लास्ट कमेंट मैं ले रहा था, हो सकता है आप ही के पास आऊं उसके बाद, लेकिन थोड़ा सब्र तो कीजिए सर, थोड़ा सब्र तो कीजिए, हो सकता है आपने कोई शेर संभाल के रखा हो सुनाने के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, समय जा रहा है इसमें भी, ये वादा करने में भी, रोहित जी से पवन जी रोहित जी इसका कंक्लूजन रहा है डिबेट का कि हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए लास्ट, रोहित भाई ये अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार से मैं भी लगातार चिल्लाता रहूं तो डिबेट का यही असर होने वाला है, आप 30-30 सेकंड मैं लास्ट बोलूंगा ये कहने में आप दोनों एक दूसरे को लास्ट ना बोलने में, मैं तो शुरू से चाह रहा हूं कि आप दोनों अपनी अपनी बात साफ गोई से कहें और लोग साफ साफ सुन पाए। चलिए सर, समय बचा नहीं, ना आपका लास्ट हो पाएगा ना उनका लास्ट हो पाएगा, माफी चाहते हुए सर, ये लोग देख रहे हैं और लोग अपने आप फैसला कर लेंगे कि भाई कौन किसको नहीं बोलने देना चाहता था, क्योंकि दंगल का फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं, रेफरी इसमें मैं नहीं, रेफरी जनता होती है और जनता खुद तय कर लेती है भाई कौन सही बोल रहा था, कौन गलत, और कौन किसको बोलने देना चाह रहा था, कौन किसको नहीं बोलने देना चाह रहा था। लेकिन ये आप दोनों राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी कि असली मुगले आजम बनेगा कौन राजस्थान का, अभी मुगले आजम तो चल रही है।